डिस्कस करने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल का अगला पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने आपको एक रिसर्च दिया था। रिसर्च ये था कि जब हम डेट लिखते हैं, कोई भी डेट हमारे पास होता है और उस डेट को अगर हम कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करते हैं या फिर उस पे जर्नल फॉर्मेट कर देते हैं, तो ये नंबर एक तरह का नंबर बन जाता है। और ये नंबर है क्या, हम पहले इसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप कंप्यूटर का जो कैलेंडर है उसके जानिए। हमारा कैलेंडर है तो हमारा कैलेंडर तो एक से बना हुआ है ना, ईसा मतलब कि 1200 1000 इस तरह से बना हुआ है। लेकिन जो कंप्यूटर का कैलेंडर है वो कैलेंडर बना है, स्टार्टिंग है उसका फर्स्ट 1900। आप जो अपने कैलेंडर में जाएंगे और कैलेंडर में जाने के बाद अगर आप ईयर पे आएंगे और सबसे पहले शुरुआत में ईयर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्नीस सौ से पहले का कैलेंडर आपको नहीं देगा, इसमें तो कहीं जा रहा है 1920 ही आ रहा है। हाँ, 1900 से पहले का कैलेंडर आपको नहीं दिखेगा, 1900 से आपका कैलेंडर स्टार्ट है। जो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ 1900 से कैलेंडर स्टार्ट है। तो इससे एक बात साबित होती है कि अगर आप उससे पहले सब लिख दिया 10th अप्रैल 1987 तो ये डेट बन गया। लेकिन अगर मैं इसमें कर दूं 1897 तो ये डेट नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं ये डेट नहीं, मतलब कि इसके ऊपर आप किसी तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू होगा। तो सिस्टम के अंदर में आपका डेट वही होगा जो फर्स्ट जैन 1900 के बाद का है। तो अब सिस्टम अगर फर्स्ट जैन 1900 को लिखेंगे और इस पे अगर आप जनरल में फॉर्मेट करेंगे तो नंबर वन हो जाएगा, मतलब कि कैलेंडर का पहला दिन। तो ये जो 43437 है ये क्या है, नंबर ऑफ डेज है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर कैलेंडर। जब आप डेट एंट्री करते हैं तो वो कन्वर्ट कर लेता है कि जैसे कि आपने डेट आज का डेट डाला तो आज के डेट में कन्वर्ट करके देख लेता है कि कंप्यूटर कैलेंडर से कितने दिन हुए, एंटर मारते वो उतना ही दिन ऐड करता है। 43784 साबित करना हो कि इसको साबित कीजिए तो उसके लिए आप डेट का फॉर्मेट लगाएं और इस पे से देखिए एक हमने लिखा तो एक एक 1900 हो गया। अब मैं यहां पे 32 लिखता हूं तो देखिए महीना चेंज हो गया, 32 दिन मतलब कि 31 दिन हमारा जनवरी का था तो एक दिन फरवरी का हो गया। 367 डालता हूं तो देखिए ईयर चेंज हो गया, 365 दिन हमारा क्या हुआ, 366 दिन क्या है हमारा एक साल का हो गया। 67वां दिन में क्या हुआ कि एक जनवरी मतलब हमारी ईयर अगले साल की एक जनवरी हो गई। उसी तरह से 43784 हम डालेंगे तो आपका नंबर ऑफ 15 नवंबर 2019 दिखाया, क्योंकि हमारा डेट है टोटल। तो ये किसी तरह का कोड नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ डेज, समझ गए। यस सर। बी सिंह जी को डाउट इसमें? नो वेरी मच क्लियर सर। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हुआ। देखिए एक्सेल में क्या है, एक्सेल में रूल क्या है, रूल ये है कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट के साथ नंबर के साथ टेक्स्ट लिख देते हैं तो इसके ऊपर अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट नंबर के साथ टेक्स्ट है तो उसको भी टेक्स्ट ही समझेगा। लेकिन डेट पे जब हम प्लस करते हैं तो आपका एक प्लस हो जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि ये 15 नवंबर में ऐड नहीं करता है, क्योंकि 15 नवंबर 2019 इसका विजुअल है, ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल इसका है 784।
और 43784 में ऐड किया और ऐड करके रिजल्ट आपके सामने है 43786। जब डेट का फॉर्मेट करते हैं तो 31 के बाद महीना और 366 के बाद साल चेंज करके ये एक आपका टाइम का फॉर्मेट। समझ गया? राइट राइट। तो प्रोग्राम बोल रहे सर, तो जब हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज ए वैल्यू में बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स और डेट भी हमारा फॉर्मेट्स है इसलिए उसको रिमूव कर देता है। तो अगर आपको डेट चाहिए तो इस पे आप वापस जो है अपना डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर ले, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट हैश। ओके, कंट्रोल शिफ्ट हैश। अब इसमें अगला क्वेश्चन ये हो गया। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि मुझे दो काम करने पड़ जाते हैं, पेस्ट इज वैल्यू फिर डेट का फॉर्मेट। तो अगर आपके सिस्टम में डेट है और बहुत सारे फॉर्मेट्स लगे हैं पहले से और आप चाहते हैं कि मेरा सिर्फ डेट आए फॉर्मेटिंग नहीं आए, तो आप इसको कॉपी करें और पेस्ट स्पेशल के अंदर जाएं और इसमें वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट या फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करें। नंबर फॉर्मेट सिर्फ डेट ही नहीं, डेट टाइम डेसिमल सब आएगा, मतलब कि फॉर्मेट से जब करते हैं तो ये जो आपका नंबर की फॉर्मेटिंग में आपका जनरल नंबर करेंसी ये सब है, ये सारा फॉर्मेटिंग आएगा, बट बाकी फॉर्मेटिंग फॉर्मूला नहीं आएगा जब आप पेस्ट स्पेशल में वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट करें। वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट करेंगे। ये सबको समझ में आ गया? अमरजीत कोई डाउट हो तो चैट कर लीजिए, इसमें आपके सॉफ्टवेयर में चैट की भी फैसिलिटी है, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो चैट पे मुझसे पूछ लीजिएगा। आपका हेडफोन नहीं है तो इसलिए मैंने बोला है चैट कर लीजिएगा। ओके, अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है जैसे कि 20 और 30 है, अगर मैं 20 को कॉपी किया और किसी तरह से पेस्ट करता हूं तो 30 रिप्लेस बाय 20। बट पेस्ट स्पेशल करते समय अगर आपने सिलेक्ट किया ऑपरेशन में किसी तरह की कैलकुलेशन, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया मल्टीप्लाई, क्या हुआ कि जहां से कॉपी हो रहा है और जहां पे पेस्ट हो रहा है इन दोनों वैल्यू का मैथमेटिकल कैलकुलेशन इट मींस मल्टीप्लाई होगा और उसका रिजल्ट यहां आपको पेस्ट हो जाएगा, जैसे 600 पेस्ट हो गया। मतलब कि जब आप कॉपी कर पेस्ट स्पेशल करते हैं ऑपरेशन से बाय डिफॉल्ट नन होता है, नन की जगह इसमें ऐड ले लिया, अब यहां पे देखिएगा 620 आपको। ये तो फैसिलिटी समझ में आ गई करता क्या, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, तो चलिए इसकी बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अपना परसेंटेज सिस्टम में। परसेंटेज, तो अगर आपको यहां पे 20% मुझे लिखना है तो 20% का सैंपल लिखूंगा और फिर एंटर प्रेस करूंगा, तो 20% आपका होगा। लेकिन अगर मैं 20 लिखा उसके बाद हम कभी बाद में इस पे परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करते हैं तो आपका 2000% हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सिस्टम में 1 = 100%। आप मैथमेटिक्स में परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय 100 करते हैं ना, सिस्टम में एक्सेल में ऐसा नहीं होता कि मुझे अगर 500 का 20% निकालना है तो मैं जस्ट 500 मल्टीप्लाई बाय 20 लिख दूंगा, क्योंकि 20% लिख दूंगा, क्योंकि जो 20% जो विजुअल है एक्चुअल में आप देखेंगे तो है 0.20। मतलब कि हम लोग सिस्टम में क्या करते हैं,
सिस्टम में हम लोग करेंगे कि 500 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे और फिर 5 यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने क्या हो जाएगा, 100 करते हैं ना सर। तो ऐसा यहां पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो डिवाइड बाय 100 है वो ऑलरेडी होता ही है, क्योंकि 20 को अगर आप 100 से डिवाइड करें तो 0.20 ही होगा। तो अगर इसका मतलब ये है कि मुझे यहां पे अगर 20% लिखना है, बाद में परसेंटेज का सिंबल देना है, तो 0.20 लिखेंगे और इसके ऊपर हम परसेंटेज का सिंबल देंगे। तो परसेंटेज का सिस्टम समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को डाउट तो नहीं है? अमरजीत जी कोई डाउट होगा तो सर चैट करके पूछ लीजिएगा। नो सर। ओके वीर सिंह जी, राहुल जी डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, मैं पहले जो इसको इरेज कर देता हूं। चलिए तो अब यहां पे ये तो समझ में आ गया, तो लेकिन हुआ क्या कि मेरे जो कलीग थे, कलीग मुझे एक डेटा भेजते थे जिसका वो सैंबल देते थे परसेंटेज, जैसे मैंने यहां पे दिया होता है। अब मैं इसको नीचे तक का फॉर्मूला मैं रैंडम नंबर लेने के लिए करता हूं, ताकि मुझे नंबर मैनुअली टाइप ना करना पड़े, बाद में क्योंकि रैंडम हर बार चेंज करता अपना रिजल्ट। देखिए मैं डबल क्लिक करके हटाया तो पूरा रिजल्ट चेंज हो गया। तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं एंड वैल्यू पेस्ट, ताकि हमारा फॉर्मूला रिमूव हो जाए जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। यहां पे जो दिख रहा है आपको एक परसेंटेज है, जैसे 12 जो है, 12 नहीं 12% है। अब उन्होंने ऐसा भेज दिया क्योंकि उनके सिस्टम से ऐसे ही आता है। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे जहां यूज करना है वहां पे 12 नहीं 12% का इस्तेमाल करना। तो मुझे अपना फॉर्मूले के अंदर में डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं फॉर्मूले को छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कभी मुझे क्योंकि मुझे ऐसी चीजें 2-3 जगहों से आता है, तो किसी पे हमारा परसेंटेज होता है, किसी में परसेंटेज नहीं होता है। तो फॉर्मूला चेंज करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि मैं वहां पर डिवाइड बाय 100 नहीं कर रखा है, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है, दिक्कत हो जाएगी। सो मैं फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाहता, मुझे 12% इसी तरह से चाहिए। तो मैं एक एक का डबल क्लिक करूं और उसमें परसेंटेज का सैंपल लगाऊं। देखिए ये तो काफी टीडियस जब हो गया, अगर बहुत बड़ा डेटा हो गया तो पूरा दिन ही पे लग जाएगा। और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन मेरे पास सुटेबल तरीका वो है कि मैं किसी भी सेल पे 100 लिखूंगा और फिर इस 100 को सिलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और कर दूंगा डिवाइड। डिवाइड होते ही हर नंबर हमारा 100 से डिवाइड हो गया और परसेंटेज में लगाया तो देखिए आपके सामने वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। राइट अगर परसेंटेज में है नॉर्मल में चाहिए तो सबसे पहले मैं इसका परसेंटेज हटाऊंगा, फिर इसको सेलेक्ट करूंगा और इसका राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और फिर इसको मल्टीप्लाई कर। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, तो ऐसे एग्जांपल आप बना लेंगे, मुझे आशा है कि ऐसे एग्जांपल आप खुद ब खुद तैयार कर लेंगे। ओके सर, अब अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास कुछ डेटा है,
डेटा जो हमारा है वो डेटा इस तरह से डेटा आया है, सेल्स का डेटा मान लीजिए, सेल्स की फिगर है, हमने अपने क्यूसी टीम को भेजा कि प्लीज इसको चेक कीजिए, क्या ये सारे करेक्ट है? अब क्यूसी टीम ने इसको चेक किया और चेक करने के बाद पाया इसमें कुछ चीज मिसिंग है, लेकिन 50 है तो 50 नहीं 55 होना चाहिए था, 15 नहीं या 51 होना चाहिए था। अब इस तरह की उन्होंने कुछ एरर दे दिया, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? कि इसको अपडेट करना, कि इसको कॉपी करके इस पे पेस्ट करूं, इसको कॉपी करके इस पे पेस्ट करूं, इसको कॉपी करके पेस्ट करूं, क्योंकि ब्लैंक जो है वो करेक्ट है, सो ब्लैंक को हमें छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि पूरे कॉलम को कॉपी करेंगे, इस पे जाएंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां आप देखेंगे कि हमारे पास एक है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक को लेंगे एंड ओके कर देंगे। स्किप ब्लैंक क्या करता है कि जब वो कॉपी करेगा तो उसमें से जो ब्लैंक पोजीशंस है उसको इग्नोर कर देगा और सिर्फ फिगर को ही पेस्ट करेगा। इसका यूज आप अपने हिसाब से अपने ऑफिस में कर सकते हैं। स्किप ब्लैंक के बाद बात करते हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज जैसे कि हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करता है अपने डेटा को। इसका यूज हम लोग चार्ट वगैरह में करते हैं इस तरह से। हमने इसको कॉपी कर लिया तो ये आपका वर्टिकल कर देगा, ये जनरली सबको पता ही होता है। आगे बढ़ते हैं, पेस्ट एज ए लिंक। अब चलिए पेस्ट एज ए लिंक में हम आपको बताते हैं क्या करना है। डेटा लेते हैं इसके लिए, तो आपके सामने एक डेटा है। अब मुझे इस डेटा को भेजना होता है अपने कई सारे अपने टीम्स को भेजना होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने हर टीम को पूरा डेटा नहीं भेजते, समझे? हमारे पास तीन टीम का डेटा है। पहला आपका है टीम 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 वन। अब टीम वन को जो डेटा जाता है तो क्या मैनुअली कैसे करता हूं, हर दिन करना पड़ता है। हम इसको कॉपी करते हैं और यहां इसको पेस्ट करते हैं। अब टीम वन को टीम का नेम नहीं चाहिए, इसमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इसमें आपका लॉगिन डिटेल्स नहीं चाहिए, उसके बाद ऑडिट डिटेल्स नहीं चाहिए, इतना डेटा हम भेजते हैं। फिर टीम टू को कुछ और, टीम थ्री कुछ और, हर बार मुझे इस तरह से डिलीट 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 करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, अपने डेटा को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहां राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए लिंक कर दिया। जो फिर नहीं चाहिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं।
ओके okay? तो मुझे एक काम बस और एक दिन करना है। अगला दिन जैसे मैं अपना डेटा डालूंगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा डेटा में ये आपका टीम मेंबर का नाम यहाँ पे सुधीर हो गया। अब सुधीर जैसे एंटर होगा आप T1 पर देखेंगे कि यहाँ चेंज हो जाएगा। इसको लिंक करने का एक और तरीका है, हम लोग इक्वल प्रेस करके भी करते हैं, लेकिन इक्वल प्रेस करके करने पे क्या होता है कि फिर उसको ड्रैग व्रैग सिस्टम दिक्कत हो जाता है, लेकिन कॉपी करके पेस्ट आप उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हेलो वीर सिंह जी, राहुल जी, समझ में आ गया? यस सर, ओके। जैसे हम लोग कभी कभी इसका रिपोर्ट वगैरह बना लेते हैं, जैसे हमने इसको एक एक इसमें एक छोटी सी क्वेरी है। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि मैंने मेरे मेरा जो डेटा का साइज है सपोज 1000 है, ठीक है, मैंने पेस्ट एज ए लिंक कर दिया उसको दूसरे शीट पे। अब मैंने जब दूसरे दिन डेटा पे काम करना शुरू करा तो मेरा डेटा का साइज हो गया 1200 का। देखिए उसके लिए तो आपको, हाँ इसके लिए आपको है कि आप उसको ड्रैग कर लें नीचे, या कि ड्रैग हम ड्रैग भी ना करें, तो उसके लिए हमें यहाँ एक्सटर्नल है जो कि हम आगे क्लासेस में बताएंगे, डेटा के हिसाब से अपना साइज ऊपर नीचे करते रहेगा। टेबल में कन्वर्ट करके, राइट। हाँ, और अच्छा भी होगा कि उसमें फिल्टर से मान लीजिए मुझे एक एक ही रीजन का कैलिफोर्निया का डेटा देखना, आप कैलिफोर्निया सेलेक्ट करेंगे आप एक कैलिफोर्निया का ही डेटा रहेगा सर, ओके फाइन। वो बात करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे आगे क्लास में। अभी हम बात करते हैं किसी हमारा डेटा हुआ, तो अब मुझे इसको क्या दिक्कत है कि मुझे इसको एक डैशबोर्ड में दिखाना है। ठीक है, अब डैशबोर्ड में दिखाना है तो मान लीजिए हम इस पर इंसर्ट करते हैं, चार्ट भी ले लेते हैं, मैं यहाँ से चार्ट भी ले लेता हूँ। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, जैसे मैंने चार्ट को छोटा करता हूँ, छोटा किया ना, तो विजुलाइजेशन देख रहे हैं, विजुलाइजेशन हमारा छोटा हो जा रहा है ना सर, यार छोटा हो गया था ना, हाँ जी, मुझे दिखाना छोटा ही है। अब मैं चार्ट को डेटा को छोटा करता हूं तो दिक्कत हो जाती है, तो मैं पेज लेआउट में जाऊंगा और ग्रिड लाइन को हटा दूंगा ताकि पीछे की लाइन ही घट जाए, और इस एरिया को सेलेक्ट करूंगा और इसको कॉपी करके अब मैं यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर कर दूंगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, कॉपी, और यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर। अब इसकी पिक्चर बन गई, अब मैं इसको अपने हिसाब से छोटा करूंगा तो मेरा वर्ड विजिबल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दिख रहा है सर आपका ये? यस तो इसको हम डैशबोर्ड प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरा डेटा अगर अपडेट होता है तो फिर आपका पिक्चर अपडेट नहीं होगा, जैसे तो मैंने फॉर्मेटिंग में या मैं चार्ट की कलर फॉर्मेट क्यों अच्छा कोई दिक्कत है, फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा है, या फिर इसी को मैंने कुछ कुछ एरिया को लिया नंबर फिगर चेंज कर दिया या फॉर्मेटिंग में कलर रेड कर दिया, बट आपका डेटा नहीं हुआ, तो आप चाहते हैं कि नहीं मेरा डेटा के साथ मेरा पिक्चर लिंक रहे, डेटा चेंज हो तो पिक्चर भी मेरा चेंज हो, तो आप इसी के बगल में पेज से पिक्चर लिंक पे क्लिक करेंगे। देखिए हो गया, अब मैं अगर मान लीजिए कि इसको दो को ग्रीन कर देता हूं, मैं जैसे ग्रीन करूंगा आपका यहां पर ग्रीन हो गया। ए भगवान,
पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक राइट। हाँ लिंक। अब इसका यूज एक जगह और भी करते हैं, आप लोग मेलिंग के लिए आउटलुक इस्तेमाल करते हैं? नहीं सर। नहीं सर, मैं तो जीमेल, जी हमारा जीमेल का टाइप है, गूगल से टाइप है। हाँ तो गूगल से है, लेकिन गूगल आउटलुक क्या है? आउटलुक पे आप जीमेल के भी यूज कर सकते हैं, आउटलुक तो ये आपके सिस्टम में होगा ही होगा। तो आउट नहीं नहीं हमारा कहना कि जो जैसे आप जैसे जीमेल का अकाउंट है ना वो वैसे ही आउटलुक हमारे पर हमारे इसमें नहीं है, हमारा जो ग्लोबल टाई अप है वो गूगल के साथ है। हाँ जी, आप बात नहीं समझे, आपका ईमेल अकाउंट तो गूगल का ही रहेगा, समझे? ये जो आपका क्या है, ये मेल ब्राउजर है, इससे बेनिफिट क्या होता है आउटलुक से कि आपकी जो ईमेल है वो आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाती है। अगर आपका लॉगिन करते हैं कल के डेट में, अगर आपका इंटरनेट थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब हो गया, पुरानी कोई मेल देखनी है, जब तक वापस इंटरनेट स्टार्ट नहीं होगा तब तक पुरानी मेल भी आप नहीं देख सकते, ना मेल कोई कर सकते। बट आउट हमारे हमारे साथ यही है, जैसे जीमेल का जैसे जीमेल वाला खोलते हैं ना, आप जीमेल वाला खोलिए। हाँ, हाँ तो जीमेल तो हाँ, जीमेल का ब्राउजर समय मैं बात समझ गया, तो उसी को आप अगर इसमें कॉन्फ़िगर कर लेंगे ना, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपकी जीमेल वाली जो मेल्स है वो आपकी आउटलुक में आ जाएगी। ये कोई अनलीगल नहीं है, लीगल है, मोस्टली ऑफिस में होता है, कर सकते हैं, ऑफिस के साथ मिलता है, एमएस ऑफिस के साथ आता है। आउटलुक जो है एमएस ऑफिस का पार्ट है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे आउटलुक होता है। आउटलुक राइट, इसको आप कन्फिगर अपना जीमेल अकाउंट भी इजिली कन्फिगर कर सकते हैं। अब इसमें बताते इसका बेनिफिट बताते हैं, जैसे कि मुझे हर एक घंटे पे हर दिन एक मेल करना है, तो अभी जैसे कि मेल जो करना होता है वो मेल करना होता है हमारा मान लीजिए इसी डेटा को, इसी रिपोर्ट को मेल करना होता है। तो मैंने क्या किया, इस रिपोर्ट को कॉपी और अपने एक मेल पे गया और उस पर पेस्ट स्पेशल में लिंक को ले लिया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जिसको हम भेजते हैं उसका मेल आई डाल देते हैं, सी सी डी सी बी सी सब्जेक्ट और जो भी मेल पूरा तैयार कर लीजिए आप रिव्यू से, राइट सर। और इसको आप सेव नहीं करें, इसको कर दे आप सेव एज, इसको सेव नहीं करें, इसको सेव एज इसमें एक्सेल टेम्पलेट में, यहां से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है इसके जगह पे आप टेम्पलेट ले लें। टेस्ट ऑलरेडी है तो मैं रिप्लेस कर देता हूं, अब मैं इसको सेव नहीं करता, मैं नोट कर देता हूं। अब मुझे अगले एक दिन तो मैं मानो मेल कर दिया हमने, क्या हुआ कि हमारी रिपोर्ट हो गई चेंज, मेरा रिपोर्ट हो गया चेंज, जैसे कि चार्ट है हमारा, तो मैं टाइप ही चेंज कर देता हूँ, चार्ट का टाइप जो मैंने लाइन चार्ट ले लिया। अब देखिए ये हमारा दिख रहा है आपको टेस्ट, मैंने ओपन किया, चेंज हो गया, फिर सेंड कर दे और सब कुछ रेडी है, बस मुझे सेंड क्लिक करना है। और आप लोग आउटलुक इंस्टॉल कर लीजिए, आगे चलकर जब वीवीएम वगैरह सीखेंगे तो आउटलुक ऑटोमेशन उसमें है मेरे। तो सर ये जो हमने टेस्ट एज ए सेव एज किया है डेस्कटॉप पे, ये एक फिक्स रहेगा और जब मैं सेंड करने जाऊंगा एवरी डे, एवरी आवर और एवरी डे, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा जो भी मेरी लिंक, जिससे ये लिंक रहेगा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हुआ कि चेंज नहीं हुआ तो राइट क्लिक अपडेट लिंक कर दीजिए। But I need to send attachment also. हाँ तो attachment का भी उसको डाल सकते हैं ना, attach करके। अब मेल को ready कर लीजिए, टैबलेट करते समय ready कर लीजिए, attachment का option है। Every day, okay, got it. I need to attach every day latest file. Okay.
ठीक है, तो हम इसको कीजिए, फिर हमारी नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे होगी, तब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि तो नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है, और तो मिलते हैं अगली क्लास में। सर एक एक सेकंड, हाँ मैं अपना जरा स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे आप थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था, क्या चीज का, एक तो मिनट का टाइम लूंगा आपका। दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि उसका टाइम पूरा हो गया, बंद ही होने वाला है पूरा आपका जूम। ज्यादा नहीं टाइम लूंगा आपका मैं। एक बार दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा मुझे।